राजस्थान में अब हर महीने सरकार का एक विधायक किसी भी दिन जाकर इंदिरा रसोई में खाना खाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को हुई इंदिरा रसोई योजना रिव्यू बैठक में यह निर्णय लिया है। गहलोत ने इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी जन प्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार वहां जाकर भोजन करने की अपील की है। गहलोत ने मीटिंग में ये तय किया कि किसी भी विधायक के महीने में एक बार इंदिरा रसोई में खाना खाने से भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और योजना का निरीक्षण भी होता रहेगा। प्रदेश कांग्रेस की कलह और हाल ही में नए सीएम को लेकर हुई तकरार पर मंत्रियों नेताओं के बयान का दौर जारी है। ऐसे गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। गुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद अगर कोई नेता भीड़ खींचने वाला है तो वो सचिन पायलट है। युवाओं में सचिन पायलट को लेकर अलग क्रेज है। सचिन जी पायलट का यूथ में क्रेज है, जो आपने आज कोटा में देखा होगा, हर जगह मतलब भीड़ खींचने में, जनता को आकर्षित करने में, भीड़ खींचने में हिंदुस्तान के कांग्रेस के टॉप लीडर है। राहुल गांधी और प्रियंका जी के बाद में भीड़ खींचने के अंदर सचिन पायलट जी तीसरे नंबर पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा को बिना पेंदे का लोटा बताया। झुंझुनू के एक दिवसीय दौरे पर आए शेखावत ने कहा कि वो कभी भी गहलोत के पास कभी पायलट से नजदीकी दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति का भगवान ही मालिक है। मुझे लगता है कि उनकी बात को शायद उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते। हम उन्हीं के गाँव में बैठे, सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित थे। आप किसी से भी पूछिएगा कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है क्या? जो व्यक्ति राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पलटा, जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर भुड़क जाए, मुझे लगता है लोटा तो नहीं है लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कब वो कहाँ किसके साथ में खड़े होंगे, बसपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, अशोक गहलोत के साथ होंगे, पायलट साहब के साथ में होंगे, शायद या तो वो जानता है या उनका राम जानता है। कोटा के MBS अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों ने अभी तक वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर आज कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान संविदा पर कार्यरत पर्ची काउंटर, गार्ड, सफाई कर्मियों सहित अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने अस्पताल के अधीक्षक का घेराव कर उनको ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मियों का कहना है कि हमें जो वेतन दिया जाता है वो काफी समय बाद मिलता है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ रही है। इसके अलावा महिला संविदा कर्मियों की ड्यूटी रात में लगाई जा रही है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चौथे चरण का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 अक्टूबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में करेंगे। वहीं आज राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन व विधायक कृष्ण पूनिया ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारियां दी। कृष्णा पूनिया ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को खेल मैदान तक लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के ज्योति नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना सुरेंद्र मीणा सहित 5 लोग शामिल हैं, जिनमें आरोपी नीरज जादा पपला गुजर गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से वारदात के समय काम में लिया वाहन भी बरामद किया गया। सफाई रैंकिंग में एक बार फिर पिछड़ने के बाद नगर निगम ने शहर के हालात सुधारने की कवायद शुरू कर दी, जिसके तहत 2 नई रोड स्वीपर मशीन सफाई बेड़े में जोड़ी गई है, जिसको आज महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित और आयुक्त गोपाल राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए ट्रिपर, ट्रैक्टर और अन्य छोटे वाहन लगे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ बदलाव कर और बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। टोंक जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 52 पर सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईवे पर दौड़ते तेज रफ्तार वाहन और अवैध कट वाहन सवार यात्रियों के लिए मौत का सबब बने हुए हैं। इसके बावजूद भी रोड टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन हादसों पर अंकुश की कवायद को लेकर कोई बड़े और ठोस कदम नहीं उठा रही। बुधवार को भी टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 52 पर बाड़ा गांव के पास तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक सवार
तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर तीनों की मौत हो गई। मकराना शहर के टीवा मोहल्ले में बीते दिनों खुद की बच्ची को लेकर जा रही दलित महिला के साथ बच्चा चोर समझकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको लेकर मकराना पुलिस पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से नाराज विधायक रूपाराम मुरावतिया के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने पुलिस थाने के मुख्य द्वार पर धरना दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल कर पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुकदमे का अनुसंधान भी शुरू कर दिया है और मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है।